presenting the examples from CSUIR of the sports university. I request Professor Kapoor, a very distinguished and learned speaker, to please enlighten us. Teachers, fellow teachers, students, or bache. सुबह जो विषय था वो ज्यादा तंत्र का था, थ्योरी का था कि भाई ये क्या एंगेजमेंट क्या होना चाहिए। अब जो विषय है वो कि हमारे विश्वविद्यालय में जो हमने एक विभाग स्थापित किया, वो अलग बात है, वो वर्चुअल विभाग है। वर्चुअल समझते हैं, वर्चुअल रियलिटी है, मतलब है कि डीसी मैन को एक बार हमने कहा कि दिमाग तो आपने डिपार्टमेंट तो बना दिया, अगर आप इसको बंद करेंगे तो क्या बंद करेंगे, कोई पीएम नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई हेड नहीं, कुछ नहीं, पर वो विभाग है और उसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, पढ़ते भी हैं, साल में 500 के करीब स्टूडेंट पढ़ते हैं। उसका नाम है लोक समाज विश्वविद्यालय अंतर संबंध केंद्र। लोक समाज विश्वविद्यालय अंतर संबंध केंद्र और उसके पीछे जो दर्शन है वो वही है जिसका कुछ चर्चा जिसकी मैंने सुबह की। मूल रूप से के विश्वविद्यालय सार्थक तभी होगा अगर विश्वविद्यालय की जो क्रियाकलाप है और विश्वविद्यालय का जो शिक्षण शैक्षिक व्यवहार है या व्यवस्था है उसका हमारे परिपेक्ष में जितने लोग हैं, गांव हैं, उनको उसका उनकी समस्याओं का उनका कुछ समाधान हम कर नहीं सकेंगे शायद, पर सोच सकेंगे कि समाधान कैसे होगा। तो 2 साल हो गए हैं, उसमें मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट्स जो अब दूसरे साल के दूसरे अर्ध वर्ष में हैं, हमने उसमें 4-5 कोर्स शुरू किए सर्टिफिकेट के। तो एक कोर्स था फोक मेडिसिन का, जो सर बैठे हैं आयुर्वेद के प्रोफेसर साहब वगैरह ये चलाते हैं, और एक कोर्स हमने शुरू किया माइक्रो फाइनेंस का, जिसमें ये जो भी माताएं आके बता रही थी कि हमने ये किया, तो उस प्रकार के जो कोई करना चाहे काम उनको किस प्रकार उनको सलाह देना, समझाना अगर ज़रूरत हो। और तीसरा कोर्स हमने शुरू किया ऊर्जा स्रोतों का, ऊर्जा स्रोत एनर्जी रिसोर्स, उसमें हमने ये सोचा था, वो अभी हमारा पूरी तरह सफल नहीं हुआ, पर अभी अभी मुझे दो ये मिली लड़कियाँ ये पढ़ाती हैं मुरथल में और ये एनर्जी की ही टीचर हैं, तो हम इनसे कहेंगे आके हमको थोड़ी उसमें मदद करें। उसमें हमने ये सोचा और सुनो बेटे कि सोचना सबसे पहला होता है, आपको कुछ विचार आएगा तो आगे आप काम करेंगे, इसलिए सोचने को डिसमिस नहीं करना। जनरल जी ने भी बहुत स्पष्टता से ये कहा कि अपनी सोच को आपको मूल्य देना चाहिए, अपनी सोच को आपको बड़ा इज्जत के साथ अपनी सोच को याद रखना चाहिए कि हमें क्या विचार आएगा। कई बार आपको नींद में विचार आएगा, नींद आधी नींद में विचार आएगा, तो आपको वो याद रखना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि अगर गांव की जो ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की, खाना पकाने में ऊर्जा चाहिए, पंखा चलाने में ऊर्जा चाहिए, पानी निकालने के लिए जमीन से ऊर्जा चाहिए, खेतों में पानी कई बार पहुंचाने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो एक गांव की जो ये
आवश्यकताएं हैं उसके लिए वो निर्भर करते हैं बिजली का, और बिजली कहीं दूर से आती है, उसका एक केंद्र है। और अगर न्यूक्लियर प्लांट लग जाएगा तो वो केंद्र और भी दूर और भी बड़ा होगा। अभी तो वो केंद्र अगर उसमें कोई खराबी आती है तो 400, 200, 150 गांव में फर्क पड़ता है। अगर न्यूक्लियर वाले में खराबी आएगी तो पूरी स्टेट में अंधेरा छा जाएगा। रिसेंटली आपने देखा था पूरे देश में ग्रिड फेलियर हुआ। ये एक दो सिद्धांत हैं गवर्नेंस के, मतलब किसी भी समाज को चलाने के। एक है केंद्रीकरण का और दूसरा है स्वावलंबन का। शब्द मुश्किल तो नहीं है, हिंदी आजकल वैसे विदेशी भाषा हो गई है, आजकल अंग्रेजी हमारी अपनी भाषा है और हिंदी हो गई विदेशी भाषा। तो इसलिए अगर कठिनाई हो तो थोड़ा क्षमा करना। स्वावलंबी, स्वावलंबन, स्व अपने आप पे निर्भर रहना, ये एक सिद्धांत है गवर्नेंस का। और दूसरा है केंद्रीकरण, कि सब इकट्ठा करके एक जगह वहां से बांटा जाएगा, वो भी मिलेगा। और जैसे टैंकी पानी की ऊपर लगा दी तो उसमें से पाइप्स लगा दी, घर में नल लग गए और फिर टैंकी बंद हो गई, उसकी सफाई हो रही है, नल आपका चमक रहा है पर पानी नहीं आता। तो ये केंद्रीकरण और स्वावलंबन, इसका जो संघर्ष है ये हमारे देश में चल रहा है। लगता है कि स्वावलंबन जो है वो हार जाएगा, केंद्रीकरण इतना तेजी से बढ़ रहा है। इसमें हमने सोचा कि अगर हर गांव में जितनी ये जो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप देखें तो तालाब में कितने घास और कितनी वो प्लांट्स लगे होते हैं, वो है उनको बायो मटीरियल कहते हैं, उनके भी गैस बन सकती है, गोबर की गैस बन सकती है। और विंड 8 महीने यहाँ हरियाणा में खूब हवा चलती है, 7-8 महीने। पूर्वा चलने से थोड़ी देर पहले, पूर्वैया चलने से पहले हवा शुरू हो जाती है मार्च अप्रैल में, और फिर अक्टूबर तक जब तक ये वर्षा ऋतु है हवा चलती है। तो क्या ऐसे कुछ उस विंड का प्रयोग हो सकता है? जैसे गुजरात में पूरे कोस्ट के ऊपर उन्होंने विंड मिल लगा रखी, हर विंड मिल जो है वो बिजली पैदा करती है, उसको उन्होंने जोड़ रखा है, वो बिजली इकट्ठी होती है फिर इस्तेमाल होती है। इसमें लाभ ये है कि अगर हम बायो, गोबर, विंड और सोलर एनर्जी, आपको शायद आप लोग बार पढ़ते हो तो अभी गुजरात में उन्होंने सारी नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए हैं, क्योंकि जो सूर्य ऊर्जा इकट्ठा करने का जो संयंत्र है पैनल बड़ा होता है, और अगर आप जमीन पे लगाएंगे तो कई एकड़ भूमि में लगाना पड़ेगा, उन्होंने नहरों पे लगा दिए। उसका क्या लाभ हुआ? एक तो धरती जो कृषि के काम आ सकती, दूसरे काम आ सकती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा, जो नहर का पानी वाष्प बन के उड़ता था, वो उड़ना कम हो गया, 30% कम हो गया। तो ये हमने एक चीज सोची। अब इसमें हमें ज्यादा इस कोर्स में अभी सफलता नहीं मिली। सफलता इसलिए नहीं मिली कि हमको इसमें कई प्रकार के लोग चाहिए। लड़कियां हैं एंड लड़कियों में उसमें एंथुसियाज्म भी है, जोश भी है, पर जो एक्सपर्ट्स चाहिए टेक्नोलॉजी के, सोलर एनर्जी के, सूर्य ऊर्जा के, वो हमें मिलते नहीं आते। तो ये जो एक कोर्स है, माइक्रो फाइनेंस दूसरा बहुत अच्छा चल रहा है और होप मेडिसिन भी अच्छा चल रहा है, ये एक काम। दूसरा, हमने सोचा कि बच्चों को भेज के ये देखा जाए कि गांव में क्या क्या करने को है। एक बात बड़ी हमारी बड़ी साफ थी कि हमने ये कभी नहीं माना
कि हम गांव वालों से ज्यादा सियाने हैं, ये हमने नहीं माना। हमने हमेशा ये माना, जैसे आई थिंक सूरज सिंह जी ने कहा और टंडन साहब ने भी कहा कि जो गांव के वहाँ लोग थे वो रिजर्वायर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार। इधर हमारी माताएं बहनें जो होती हैं, गांव की माताएं जो होती हैं, उनको पानी और उनको ऊर्जा और उनको सेहत, दवाइयाँ, कढ़ाई बुनाई, इन सब का ज्ञान होता है, लोकल नॉलेज जिसको कहते हैं। तो हमने ये नहीं माना कि हम सियाने हैं, हम तो सिर्फ ये देखने गए कि हम क्या करें जिससे कि हम भी कुछ कर सकें, इतना ही। और हम ये भी देखने गए कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं, उनसे क्या सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉस्टरिंग है ये संवाद से होगा, डायलॉग से और सहयोग से होगा, कोऑपरेशन से। तो हमने कोशिश की कि उनको बुलाएं और यहाँ उनको हम लेक्चर करवाएं लड़कियों को, ऐसी चीज़ों के जो पढ़ाई लिखाई के साथ लड़कियाँ भूलती जाती हैं। कढ़ाई बुनाई लगी है, अब कढ़ाई बुनाई जैसे पहली जनरेशन करती थी अब नहीं कर पाती है, तो या फोक मेडिसिन है वो। तो ये जो हमारा दूसरा प्रयास है उसमें हमने पांच चार चीज़ें हमें मिली। ये आप गांव से जो हो वो तो आप एकदम समझेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। पहला मैंने सुबह भी कहा था कि गांव का जो इस्तेमाल किया हुआ पानी है उसकी जो निकासी है वो गांव के चारों तरफ दो तीन जगह वो इकट्ठा पानी इकट्ठा हो जाता है और गंदे पानी का एक छोटा सा तालाब, तलैया, तालाब भी नहीं तलैया बन जाती है। तो ये ताल तलैया तालाब, तलैया ताल तालाब, तीन गर्दान बन जाती है ना, छोटा बन जाता है, वो गंदा होता है, उसके ऊपर जाला बना होता है, ये वो वातावरण को दूषित करने वाला। उसका हमने सोचा कि इसका क्या इलाज है, ये एक चीज़। दूसरी सफाई, सफाई के सेंस में जैसे मैंने सुबह कहा कि जब गोबर को लेके चलते हैं तो वो गांव में एक जगह होती है जहाँ सब डाला जाता है, और वो जगह क्योंकि वो कॉमन लैंड है, सबका साझा है, उसकी सफाई नहीं होती, वो ऐसे रहता है, हम पड़ा रहता है, फिर वहाँ लोग जाके बनाती हैं, माता लोग बना के वो गोबर धूप में बनाती हैं। तो क्या उसको, उसका कुछ किया जा सकता है सफाई? इसी तरह जो गलियां होती गांव की, गलियां जहाँ ईंटें भी लगी हुई हैं वहाँ भी, देखिए हम लोग जो शहर से आते हैं हम लोग को ये, हमें तो सुविधाएं सरकार दे देती है, सड़कें सफा करा देती है, सब करा देती है, गाँव में तो नहीं होत रही है, तो उसको कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका है। और तीसरा हमने देखा कि आप भी देखती हैं कि सुबह और शाम को दो बार बहने, यंगर एज की लेडीज लड़कियाँ, वो मटका उठा के पीने का पानी लेने जाती हैं, और वो पीने का पानी हैंडपम्प से लेती हैं, ठीक है ना। और वो हैंडपम्प जो होता है या तो तालाब के किनारे होता है या आगे आगे थोड़ा नहर के किनारे, और सड़क मेन सड़क चलती है ये रक्षा, उस सड़क से सारे डेवलपमेंट कमिश्नर स्टेट के निकलते हैं, यानी डेवलपमेंट कमिश्नर लंबी गाड़ी में, और उन सब के घर में आरओ लगा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि ये पानी जो तालाब के किनारे के हैंडपम्प से गांव के लोग ले जाते हैं पीते हैं, उसमें उसका क्या अस्तित्व है, उसमें कुछ प्रदूषण तो नहीं। हमने एक किया पता, हमने एक जगह से पानी लेके सोनीपत से टेस्ट कराया, और फिर एक माता को रिक्वेस्ट किया कि इस पानी को दो दिन यूज ना करना, घड़े में रखो, फिर घड़े में रखने के बाद उसको फिर टेस्ट कराया, क्योंकि जो वाटर कैंडल होती है प्योरीफायर की वो भी क्ले की होती है, तो क्या घड़े में रखा हुआ पानी उसमें कुछ प्रदूषण खत्म होता है कि बढ़ता है। ये जो इस तरह की R&D है, इस तरह का जो काम है, ये एक बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज स्तर पे होना चाहिए, हुआ नहीं। दूसरा ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम, शाम के वक्त 4 बजे के करीब घर का काम खत्म करके जब बहने जाती हैं पानी लेने, तो वहाँ थोड़ा उनको फुर्सत होती है तो काफ़ी जाती हैं, तो पंप के आसपास 20-22 बैठी होती हैं और एक पानी भर रही होती है,
और वो 20-22 का बहुत टाइम लगता है। अब जहां से वो पानी लेती हैं वहां पे एक ही हैंडपंप क्यों क्यों? जैसे हम टिकट लेने जाते हैं ना तो कहीं लाइन लगी हो तो हम कहते हैं गवर्नमेंट बड़ी खराब है, इतने लोग हैं, चार विंडोज क्यों नहीं बना सकते, हमें अपना तो एकदम समझ आ जाता है। पर वहाँ एक ही पंप है, आप देखिएगा इसी सड़क पे जाइए, आप शाम को 3-4 बजे जाइए तो आपको ये दिखेगा। और दूसरी बात ये कि ठीक है तो अब नाउ आई इनवाइट डॉक्टर मिसेस सविता सिंगल फ्रॉम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वेयर शी हैज बीन देयर एज प्रोफेसर ऑफ फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर लास्ट 32 ईयर।